हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मज़े ले रहे होंगे, क्योंकि ठंड का मौसम जो है मेरे लिए बहुत ही बेहतर। मैं ठंड को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा बैठे बैठे कुछ काम कर लूँ और एक वीडियो होम हाइजीन पे बना लेता हूँ। देखिए, ठंड में वैसे भी जो है बीमारियाँ बढ़ जाती है, और ख़ासकर अगर आप शहरों में रह रहे हैं और इंडिया में हैं, स्पेशली इन दिल्ली है, दिल्ली NCR, तो यहाँ की हवा तो वैसे ही प्रदूषित है। और क्या बताएं, जो दिल्ली का हवा है इसमें 35% जो पोल्यूटेंट्स है वो डस्ट पार्टिकल है। खैर, ये बात छोड़ते हैं, आज हम बात करेंगे होम हाइजीन पर। कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी आदत जो अगर घर में हम करेंगे तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से भी दूर रहेंगे। और ये प्रैक्टिस जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं आप आज को आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला प्रैक्टिस ये है कि आप कोशिश करें, ठीक है, होम हाइजीन जो साफ़ सुथरे के साथ कुछ प्रैक्टिस भी बताते हैं। पहला कोशिश ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप जो है रात को थोड़ी जल्दी सो जाएं, ठीक है, और सुबह जो है जल्दी उठ जाएं। पहली प्रैक्टिस तो ये, जैसे आप सुबह उठें, ठीक है, ब्रश जाके करिए, अच्छे से बढ़िया से ब्रश करिए। ब्रश का भी तरीका ये है कि हर एक महीने में आपको ब्रश बदलनी है, और अगर आप ब्रश बदल नहीं रहे हैं तो उस ब्रश को जो है गर्म पानी से एक दो बार धो लीजिए, क्योंकि एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि आपके ब्रश जो है उसमें इतनी बैक्टीरिया होती है कि जो टॉयलेट सीट पे भी नहीं होती है। तो इसलिए जो है आप चाहें तो हर महीने में ब्रश बदलिए, अगर नहीं बदल रहे हैं तो हर हफ्ता जो है गर्म पानी से धोइए। आप ब्रश को साफ़ सुथरा रखिए, ब्रश को कभी टॉयलेट के अंदर नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि टॉयलेट से हम फ्लश करते हैं या जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हवा में काफ़ी जम होती है, काफ़ी बैक्टीरिया होती है। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सुबह उठें, बढ़िया से ब्रश कर लीजिए, आपके पास माउथ वॉश है तो एक बार वो भी लेके गरगरा कर लीजिए, ठीक है। तो ये हुई एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब आप टॉयलेट जाएं तो टॉयलेट में बैठने से पहले टॉयलेट में एक बार फ्लश कर लें। अगर आपके पास ये वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, मॉडर्न टॉयलेट है, जो ओल्ड ट्रेडिशनल टॉयलेट है जो इंडिया में चलती है, तो आप उसे थोड़ा पानी मार लें, थोड़ा उसको स्लिपरी बना लें। स्लिपरी बनाने से ये होगा कि जो वेस्ट है वो तुरंत अंदर चला जाएगा, स्टूल जब ऊपर रहेगा नहीं तुरंत अंदर चला जाएगा। तो पहले उसको थोड़ा स्लिपरी बना लें, थोड़ा पानी पहले डाल लें, फिर आप बैठ के आसानी से रिलीफ हो जाए, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद जो मेजर चीज़ होती है, ठीक है, आपको अपने हाथों को जो है 3 बार बड़े अच्छे तरीके से धोनी है। कितने बार? 3 बार। जब आप वॉशरूम में होते हैं या जब आप 2 नंबर कर रहे होते हैं तो बहुत सारी जर्म बैक्टीरिया हवा में होती ही है, और फ्लश जो करेंगे, अगर ट्रेडिशनल टॉयलेट में फ्लश करेंगे तो भी उससे बैक्टीरिया हवा में होगी, ठीक है। जो गंद महकती है वो तो बैक्टीरिया के कारण होती है ना, बैक्टीरिया है, जम है। तो कोशिश ये करें कि आप जो है फ्लश करें या पानी मारें और उससे तुरंत बाथरूम से निकलें, बाथरूम को लगाएं तुरंत वहाँ से निकलें। और निकलने के बाद, ठीक है, एक बार तो आप वहीं धो लें हाथ को, निकलने के बाद बाहर में आपको हाथ को मिनिमम 2 बार धोनी है। वो कैसे धोनी है? एक बार दूसरे साबुन से धो लीजिए और रनिंग वाटर में धोइए, ठीक है, बहता हुआ पानी में। फिर दूसरी बात जो है 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड तक बढ़िया से हाथ में साबुन को लगाइए, या आपके पास अगर कोई लिक्विड साबुन है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया से रगड़ने के बाद जो है बढ़िया से धोइए। उसके बाद जो है टॉयलेट को जब बंद आप किए ना, तो नेक्स्ट आदमी, अगर आप किसी रूम पार्टनर के साथ हैं वगैरह वगैरह हैं, ज़रूरत ना हो तो कम से कम 10 मिनट तक उस टॉयलेट का इस्तेमाल कोई ना करे, क्योंकि टॉयलेट में जो फ्लश किए हैं उनसे टॉयलेट में हवा में भी बैक्टीरिया या जर्म होते हैं, ठीक है। कभी देखिएगा कि आप टॉयलेट गए हैं और तुरंत मतलब फिर 10 मिनट बाद अगर जाना हो, या किसी गया है 10 मिनट 5 मिनट बाद अगर आप जा रहे हैं तो गंद और काफ़ी होती है। तो एक तो बेसिक प्रैक्टिस ये हुए। दूसरी बेसिक प्रैक्टिस ये है कि दिन में आपको ब्रश जो है 2-3 बार करनी चाहिए, 3 बार तो करनी ही चाहिए। आपको इस्लाम की एक किस्सा बताता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ये कॉल था कि अगर दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत नहीं हो ना हो परेशानी ना हो, तो मैं ये फ़र्ज कर दूँ कि आप दिन भर में यानी एक दिन में 5 मरतबा मिसवाक करें। मिसवाक आज के ज़माने की भाषा में
ब्रश। तो उस जमाने में 5 मरतबा मिसवाक की बात कर रहे हैं, यानी ब्रश की बात कितने मरतबा कर रहे हैं, 5 मरतबा, यानी 5 टाइम्स इन ए डे। तो इससे आपको क्या समझ में आती है? आज जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि आप कोई सा भी पेस्ट का यूज करें, आपका कोई सा भी पेस्ट का यूज करें, ब्रश करने के 3 से 4 घंटे के बाद जम जो है आपके मसूड़े में बनने लगते हैं। आप जो खाते हैं दांतों में फंसे रहते हैं, 3-4 घंटे के बाद वो जम बनने लगते हैं, उससे बैड ब्रीदिंग, बैड स्मेलिंग ये आना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको ब्रश करनी होती है। जब मैं टर्की में पढ़ रहा था तो वहाँ एक कल्चर ये भी था, मैं क्या कहता हूँ, ब्रश और पेस्ट अपने बैग में लेके जाता था, और मेरे तरह बहुत सारे स्टूडेंट भी इसी तरह करते थे। जब हम 12 बजे वहाँ खाना खाते थे तो खाना खाने के बाद हम एक बार ब्रश कर लेते थे, और मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, और जापान में भी ये नियम है। और ये इस्लाम आपको 1400 साल पहले बता चुका है कि आपको 5 मरतबा मिसवाक करनी है, ब्रश करनी है। तो एक तो आप जो सुबह खाना खाएं तो उस समय तो आप करें ही करें, दूसरा 12 बजे फिर खाना खाएं तो थोड़ी देर बाद, खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप करें ही करें, और तीसरा जो कंपलसरी है वो रात को सोने से पहले करें। आपको एक बात बताऊं, एक हदीस है कि रात को जो भी मिसवाक करके सोएगा, और अगर आप वुजू करके सो रहे हैं बावजू, तो मिसवाक की जब तक सुगंध है तब तक आपके हक में सवाब लिखी जा रही है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो होगी तीसरी बात ये है, अपने घर जो है, अपने घर और आसपास को बड़ी साफ सुथरा सजा के सुसज्जित रखें। और इस्लाम में ये बहुत ही अहम है कि आपको कितनी साफ सुथरा रहना है। एक तो आपको फेमस चीज़ें सुनाई भी जाती है कि साफ सुथरा रहना आधा ईमान है, एक हदीस आपको बताई भी जाती होगी। और मैं जब बाहर में पढ़ रहा था तो वहाँ पे साइड साइड में लिखी जाती है कि साफ सुथरा रहना आपको आधा ईमान है। अब भारत में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, खास करके मुसलमानों में नहीं मिलती है। अरे भाईजान, सहाबा के ज़माने में एक यहूदी जो है किसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो यहूदी किसी रास्ते से जब गुजर रहे थे तो उस रास्ता पे पत्थर था और बहुत सारी जो हर्डल्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, ऑब्स्टेकल्स थी, जैसे मान लो कि रास्ता अच्छा नहीं है, कूड़ा करकट भी कोई रख दिया है, पत्थर है वगैरह वगैरह है। तो उस यहूदी का बयान उस समय ये होता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा होगा, अगर इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजर गया होता तो ये रास्ता साफ सुथरा अच्छा होता, इसमें इतनी तरह की बाधाएं नहीं होती। तो इससे आप सबक सीखिए, आप जहाँ रह रहे हैं उस पूरे घर को साफ सफाई रेगुलरली करिए, खुद भी साफ सुथरा रहिए और रेगुलरली साफ सफाई करिए। और चौथी बात, आपको जब दौलत आ जाए, आपके पास जब दौलत आ जाए तो 2-3 काम जो है प्रायोरिटी पे करिए। एक, अच्छा खाना खाइए, मौसम के अनुसार जो सुटेबल खाना है, जिसमें प्रोटीन होती है, जिसमें फैट होती है, जिसमें मिनरल्स होती है, जिसमें विटामिन होती है, जिसमें और सारी चीज़ें होती है। खाना खाना कैसे है, जो संतुलित आहार है, जो बैलेंस डाइट है, उसमें ये है कि विटामिन से लेकर प्रोटीन से लेकर मिनरल से लेकर फैट जो है वो बैलेंस क्वांटिटी में हो, बैलेंस यानी एक सा मतलब संतुलित मात्रा में हो, ज़्यादा ना हो कम ना हो, तो उससे क्या होगा, आप फिट रहेंगे। पांचवी चीज़ ये है कि साफ सुथरा कपड़े पहने, ठीक है, और थोड़ा सा कपड़ा ऐसा पहने जो आपके बॉडी को सुटेबल हो। अगर आपके पास दौलत हो तो, इस्लाम में दौलत हो तो पहला है खाना को बेहतर करो, दूसरा है आप अपने लिबास को बेहतर करो, ठीक है, और तीसरा चीज़ है साफ सफाई रहो, साफ सुथरा रहो और आसपास की चीज़ों को भी साफ सुथरा रखो, ठीक है, ये इस्लामिक टीचिंग्स है। अब आपको ये बताते हैं कि और किस किस चीज़ों का आप ध्यान घर में रख सकते हैं। जैसे ये है कि आप अपने घर को साफ सफाई करने के बाद थोड़ा सा गार्डनिंग हो गया, थोड़े फूल वगैरह लगा दीजिए, और जो ज़मीन अगर पर्याप्त है, जैसे अगर रूफ है तो रूफ के ऊपर भी रूफ टॉप फार्मिंग अप कर सकते हैं, छोटी छोटी ऐसे क्यूकम्बर है, ठीक है, खीरा वगैरह, ककड़ी जो है, और बहुत सारे फूल का भी कल्टीवेशन आप रूफ टॉप में कर सकते हैं। ये शहरों के लिए, गांव में तो पर्याप्त जगह होती है, मैं पर्सनली करता भी हूँ और मैं मॉडर्न फार्मिंग भी करता हूँ, तो ये चीज़ जो है आप भी अपने यहाँ कर सकते हैं। खास करके दिल्ली NCR में जो लोग रहते हैं, और खास करके मुसलमान जो इलाका है,
उनको साफ सफाई से कोई मतलब ही नहीं है। साफ सफाई उसके यहाँ कोई कंसेप्ट है या नहीं है मुझे तो पता नहीं है। आपने चलो मान लो अगर घर के अंदर झाड़ू लगा भी रहे हैं तो घर के बाहर भी तो लगा लो भाई मेरे, ठीक है? क्योंकि आपको सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ने से, रोजा जकात देने से क्या जन्नत नहीं मिल जाएगी? जन्नत जाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। आपको जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज का एक उदाहरण बनना पड़ेगा। आपको ये पेश करना पड़ेगा कि आई एम डिफरेंट, पीपल आर लर्निंग फ्रॉम मी, ठीक है? तो ये एक तरीका है। उसके बाद जो हेल्थ हाइजीन में एक और सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हमारे यहाँ साफ सुथरा पानी नहीं होता है, तो हम किस तरह का पानी पिए? तो आप कोशिश ये करें कि ठंड में जो है वो पानी को गर्म करके रख दें, ठीक है? गर्म करके रख दें तो उस पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है कि जब हम खाना बनाते हैं तो हम खाना हाइजीनिक तरीके से नहीं बनाते, बहुत साफ़ सुथरा रहना है। जिस जगह पे हम बना रहे हैं, जिस बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी बहुत साफ़ सुथरा होना है। हम हाथ से क्या छू रहे हैं, उसके बाद क्या छू रहे हैं, ये भी ध्यान देनी है। हाथ से अगर कोई ऐसा चीज़ छू रहे हैं जो प्रॉपर नहीं है तो आप हाथ को बढ़िया से धो लीजिए, फिर उसका इस्तेमाल करिए। घरों में जो महिलाएं हैं या जो बूढ़े हैं या जो और लोग हैं उसको भी बताइए कि खाना खाने से पहले मिनिमम तो एक बार बढ़िया से साबुन से हाथ धोनी ही है, क्योंकि हमारे यहाँ खाना हाथ से खाने का एक कल्चर है। तो साबुन से हाथ धोए बिना खाना आप नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर जब आप जाते हैं तो आपके हाथ में 5,000 से लेकर 5 लाख तक बैक्टीरिया या जर्म होती ही है। उसके बाद जो है दोस्तों क्या है कि जब भी बाहर से आप कोई सामान खाने के लिए राजी हो या आपको खाना पड़ जाए तो आप कोशिश ये करें कि वैसा सामान बाहर से लें जिसमें खाना बनने के बाद डायरेक्टली हाथ ज़्यादा ना लगता हो। जैसे मैं जो बाहर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा लेता हूँ वो बिरयानी लेता हूँ, उसमें क्या होता है कि बनने के बाद डायरेक्टली ज़्यादा हाथ उसमें लगती नहीं है, वो गर्म गर्म ही रहता है। आपको एक और बात बता दूँ इस वीडियो में, विदेशों में फ्रोजन फूड जो है, ये रेडीमेड फूड जो है ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, इसलिए वहाँ पे लोगों की जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी कुछ मामले में कम होती है, समझ लेना। आप विदेश में मैक्सिमम कंट्री अगर टूरिस्टिक कंट्री है, ठंड प्रदेश है, तो वहाँ पे ताज़ा ताज़ा चीज़ें नहीं खाई जाती है। हमारे यहाँ खाना अनहाइजीनिक है, लेकिन एक बेनिफिट यहाँ ये है कि मैक्सिमम खाना हम ताज़ा खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, समझ रहे ना। तो ये थी आज की कुल क्या कहते हैं होम हाइजीन के बारे में, कि हर घर में जो चीज़ें हैं आप वो कुछ वो सजा के रखें, वेल प्लेस्ड वेल डेकोरेटेड होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको जो है थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी अच्छा लगेगा। चलिए एक बात आपको और बता देते हैं नहाने के वो तरीके से। नहाए फिर आप बढ़िया से, आप नहाए तो ये ध्यान रहे कि 3 बार आपके नाक के अंदर पानी जा रहा है, बढ़िया से नाक को साफ कर रहे हैं, मुंह को बढ़िया से गरारा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, 3 बार मुंह में भी पानी जानी चाहिए, ठीक है? फिर नहाने के बाद जो है जैसे हम गुसल करते हैं वो अब भी आप करेंगे, तो ये एक प्रॉपर तरीका है। पानी पूरी बॉडी में भींग जानी चाहिए, पूरे बॉडी में 2 बार कम से कम साबुन लगाएं, ठीक है? और हेयर में जो भी लगाते हैं आप वो लगाएं, आपका कोई वो नहीं है, क्योंकि साफ सफाई ही एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी से आपको बचाएगी। आप बॉडी पर ध्यान रखिए और फिट रहिए, ठीक है? बाकी बात यह है कि ज़िंदगी का प्लान जो है 50+ दिल्ली नहीं देखना, 50+ गांव में ही रहना, ठीक है? ये लास्ट है। ओके, गुड बाय।